हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं एक सोलो प्रेनर हूँ इंडिया से। और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऐड फंड करेंगे क्लिक इंटेंसिटी में, हाउ टू ऐड फंड्स इन क्लिक इंटेंसिटी। तो उस पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरा फेसबुक, ये मेरा लिंक है, ये मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है कहीं भी कैसे भी, आप मेरे यहाँ पर कॉन्टैक्ट पेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आकर, तो आप मुझे कैसे भी करके क्वेश्चन कोई भी पोर्ट कर सकते हैं। और ये मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ ये लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। यहाँ पर भी आकर आप मुझे डायरेक्ट ऐड फ्रेंड करके मुझे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ये इसको मैं अभी बंद करता हूँ। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट पेज है, यहाँ पर आकर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नेम, ईमेल आईडी और मैसेज लिख के सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूँगा। इसको भी बंद करता हूँ। तो अभी देखिए, मैं अपने क्लिक इंटेंसिटी में लॉगिन हो गया हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्रोफाइल है। तो अभी अब हम ऐड करेंगे फंड जो है क्लिक इंटेंसिटी में, वो कैसे करेंगे ये देख रहे हैं। गोल्ड एडवर्टाइजिंग और सिल्वर एडवर्टाइजिंग, आपके जो फंड ऐड होंगे, जब आप फंड ऐड करेंगे पहली बार, तो आपके वो होंगे फंड ऐड गोल्ड एडवर्टाइजिंग में, और अब बाय करेंगे सिल्वर एडवर्टाइजिंग से। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे करेंगे। गोल्ड एडवर्टाइजिंग जो है आपने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कितना फंड जो है पैक परचेज करना है। जैसे एक पैक का प्राइस है $25, इसमें आपको 1000 कॉइन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कितने आपने लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 5 शेयर ऐड किए थे, 5 नहीं करेंगे, चलो मैं 4 करता हूँ। क्योंकि मैं 4 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है मेरा 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि मैंने कल रात को यहाँ पर ऐड फंड किया था 9000 INR का। तो अभी मेरे पास ये फंड जो है $117 का रह गया, मतलब $150 का किया था, तो अभी $117 रह गया। ये क्यों रह गया, क्योंकि ये BTC के प्राइस प्राइस जो है फ्लक्चुएट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। कल मैंने इसको नहीं परचेज सेंड किया ऐड फंड्स, और जो है आज जो है ये मेरा अमाउंट जो है मेरे को लॉस में हो गया। यहाँ पर $117 के नियर अबाउट रह गया। इसको आप कॉपी करके देख भी सकते हैं, अगर देखना हो आपने अपने गूगल में, $117 रह गया है, ठीक है, BTC इन US डॉलर लिखा। तो ये आप ऐसा मत करिए, यहाँ पे स्टोर मत रखिए BTC अपना, क्योंकि BTC का प्राइस जो है डेली फ्लक्चुएट हो रहा है, तो आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आप पेज़ैप वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी बेस्ट है इसके लिए, बट अगर प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसी तरह हम अभी 4 पैक परचेज करेंगे। अभी ये स्टार्टिंग में आपको करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। बाय गोल्ड पैक पर क्लिक करेंगे, ये लिखा है बिटकॉइन, यहाँ पे डिफरेंट है, सॉलिड ट्रस्ट पे, बैंक वायर, एडवी कैश, आप कैसे भी कर सकते हैं, परफेक्ट मनी, पेज़ा से, सॉलिड ट्रस्ट पे, पेज़ा। तो यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, अभी मैं करूँगा एडवी कैश करेंगे। एडवी कैश है जो बिटकॉइन के थ्रू है, इसको पे नाउ करते हैं। पे नाउ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लोड हो रहा है पेज। इसके बाद इसने देखिए मेरे को इस पेज पे ले आया ये कि $100 की आपकी जो पेमेंट है ये आप कीजिए, ठीक है। तो अभी ये पेमेंट मेथड दिखा रहा है आप कैसे करना चाहते हैं। मैं बोला इसको मैं बिटकॉइन के थ्रू करना चाहता हूँ, क्योंकि 0% फीस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब में फीस लिखा हुआ है, 2%, 2.90 जैसे भी है, 0.25, बिटकॉइन में 0% है। तो अभी मैं इसकी ऐड फंड करूँगा। इसने मेरे को यहाँ पे BTC एड्रेस दे दिया जहाँ पे आप अमाउंट सेंड करें, और ये बोलता है इतने इतने टाइम के अंदर सेंड कीजिए, 14 मिनट के अंदर सेंड कीजिए, इस एड्रेस पर इतना फंड $100 का, और ये BTC है, इतना BTC। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने पे, सेंड एंड विड्रॉ बिटकॉइन पर क्लिक किया मैंने, जो यूनिकॉइन का मेरा अकाउंट है इससे मैं सेंड करूँगा। तो यहाँ पर ये BTC मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया जो है। अभी मेरे पास एड्रेस इसने दिया जहाँ पर सेंड करना है, तो यहाँ पर मैंने इस पे एंटर कर दिया एड्रेस। यहाँ पे ये अमाउंट दिखा रहा है 7701, जो कि मेरे को अभी लॉस पे जा रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट फंड्स एड इन क्लिक इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ $100 लिख देते हैं, चलो ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि $100 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। ये होता है मैसेज जो है एक तरह का, बाद में आपको पढ़ने के लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ सेंड मनी पे मैं क्लिक करता हूँ, सेंड मनी में मैंने क्लिक किया, इसने मेरे OTP मेरे मोबाइल नंबर पे भेजा है। तो मेरे को अभी OTP देखना पड़ेगा क्या हुआ मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं अभी देख के अभी आपको एंटर करता हूँ इसमें क्या आया है। मेरे पास OTP आ गया है यहाँ पे 4416800। तो इसको आप डन कर दीजिए। जैसे ही हम डन पे क्लिक किया, ये हमें दिखाएगा लिस्ट कि आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने दिखा दिया अप्रूवल पेंडिंग में, अभी व्यू कीजिए, वी कीजिए, सेंड BTC किया है, फर्स्ट फंड ऐड किए हैं इन क्लिक इंटेंसिटी को $100, अप्रूवल पेंडिंग, इतना BTC इतने डेट को इतने एड्रेस पर, और एक्शन किया है सेंड BTC, ओके किया मैंने। और यहाँ पर आकर दोबारा आप इसी पे क्लिक करेंगे, आई हैव पेड, यहाँ पे लिखा हुआ ना इस पेज पे, जो एड वी कैश का पेज निकला था यहाँ से, आई हैव पेड लिख दिया, आई हैव पेड पे। तो अभी ये क्या दिखाता है, लिखा है पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ट्रांजेक्शन आई डी दिस, डेट दिस, शॉप दिस, और पेमेंट अमाउंट इतना, कंटिन्यू किया। इसको आप प्रिंट स्क्रीन भी ले सकते हैं इसका, अगर लेना हो तो, स्नैपशॉट बोल रहा हूँ मैं मतलब इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर रिक्वेस्ट टू व्यू योर परचेज हिस्ट्री, क्लिक हियर। तो देख लेते हैं क्या है, लिखा है प्लीज़ वेट वाइल लोडिंग, और लिखा है यहाँ पे जून 19, 2016 को ट्रांजेक्शन आई डी दिस, प्रोडक्ट गोल्ड पैक से परचेज किए, पेमेंट मोड एडवी कैश किया, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग है अभी,
क्वांटिटी 4, कॉइंस 4000 आ गए, अमाउंट पेड $100। ठीक है, तो ये मैं आपको डेमो के लिए 4 करके दिखाई हैं, बाकी मैं बाद में परचेज करूँगा। और ये मैं आपको जो है यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है अभी, ये पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद हम सिल्वर पे परचेज करेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी पेंडिंग दिखा रहा है, मैं दोबारा से आया हूँ, अभी मेरे को 2 घंटे हो गए हैं पूरे, ठीक है, अकाउंट में वापस आए हुए। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं यहाँ पे पेंडिंग की जगह कुछ हो रहा है या नहीं। जब आपका ये पेंडिंग होगा तब आपको ये कैसे दिखेगा, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ। आपको मेल आएगी अपनी जीमेल आईडी में, जो जिससे आप रजिस्टर हुए होंगे क्लिक इन टच, आपको मेल आई होगी, ऐसे ऐसे करके आपको मेल आएगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास मेल आई है, 2 मेल आई हुई हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास मेल आई थी जब मेरे पेंडिंग में था, कि ऐसे आपने गोल्ड कॉइन परचेज़ किए, ठीक है, इतने ये ट्रांजेक्शन नंबर था, ये 4000 गोल्ड कॉइन परचेज़ किए $100 के, पेंडिंग स्टेटस था। जब ये पेंडिंग कंप्लीट हो जाएगा आपका, तब आपके पास दोबारा एक मेल आएगी जो कि ऐसे दिखेगी, आपको कंप्लीटेड दिखाएगा, स्टेटस कंप्लीटेड, ठीक है, 4000 कॉइन, ये दूसरी मेल आएगी आपको ऐसे करके सेम ही क्लिक इन डेसिटी से। तो आपका ये जो अकाउंट होगा, आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे या लॉगिन करेंगे दोबारा, तो यहाँ पे स्टेटस कंप्लीटेड आ जाएगी। जब ये स्टेटस कंप्लीटेड आ गया, तो आप जो है यहाँ पर आएंगे, अपने सिल्वर एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करेंगे, सिल्वर एडवर्टाइजिंग पे, इसका मतलब है कि फंड जो है हमारा ऐड हो गया है, ठीक है। ये जो हमने फंड ऐड किया था गोल्ड में जाके, अब हमने देखा तो ये 4000 जो है कॉइन्स हमारे पास आ गए हैं, अब ये हमारा फंड ऐड हो गया है हमारे क्लिक इंटेंसिटी में, ठीक है। तो अब हम जाके सिल्वर में ऐड पैक परचेज करेंगे, क्योंकि ऐड पैक जो है परचेज सिल्वर में होते हैं, फंड ऐड करना हो तो वो गोल्ड में ही शो होता है, ठीक है। और जो रेवेन्यू मिलेगा, जैसे हम यहाँ पे अब ऐड पैक परचेज कर लेंगे, 4 ऐड पैक परचेज कर लिए हमने, बाय सिल्वर पे क्लिक करता हूँ मैं जैसे, तो यहाँ पे आएगा पेमेंट ऑप्शन, पेपाल एक्सप्रेस थ्रू पेपाल, ये आप छोड़ दीजिए, 5% फीस है, इसको आप मत देखिए। गोल्ड कॉइन पे आप क्लिक करके पे नाउ कर देंगे, क्योंकि हमने गोल्ड में ऐड फंड पहले का कर दिया है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया 4000 कॉइन पड़े हुए थे, तो अभी ये प्लीज़ वेट बोल रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है, देखते हैं क्या आता है। अभी आपने देखा कि ये इसने बताया, यू हैव सक्सेसफुली परचेज प्रोडक्ट, टू व्यू योर परचेज हिस्ट्री क्लिक हेयर। तो अभी ये दिखा रहा है कि हमारा ये जो है, देखिए गोल्ड कॉइन से ये कंप्लीटेड, और ऐड भी कैश से ये हमने जो पहले कंप्लीट कर लिया था, अभी मेरे पास 4000 कॉइन आ गए हैं, ठीक है। अभी मैं अगर अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं आप, एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 4000 सिल्वर कॉइन दिखा रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एडबैक 4, मतलब परचेज हो गए हैं। तो जब आप अगर आपने एडबैक परचेज नहीं किए थे, तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते थे, यहाँ पर 0 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 0 दिखा रहा था उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन आ गई आपके पास, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करके, सिल्वर पैक लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर नीचे ये दिखा दिया सेम ईमेल आईडी वाला जो ईमेल में आया था, आपके इतने शेयर परचेज हो गए, कंप्लीट हो गए हैं, सिल्वर पैक में लिखा हुआ है, ठीक है। गोल्ड को मोड ऑफ परचेज क्या है, गोल्ड कॉइन से परचेज किए हैं, पेपाल से आप मत करिएगा, जो गोल्ड कॉइन मैंने जैसे आपको करके बताया वैसे एड फंड होंगे, ठीक है। और ये आप मेल भी चेक कर सकते हैं, दोबारा आपके पास मेल आ गई कि सिल्वर पैक फिर से परचेज हो गए, जो कि सेम मेल है जो कि हमारे बैक ऑफिस में आई हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, आप जितने आप परचेज करना चाहें ऐड पैक, उतने आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने जस्ट डेमो के लिए आपको बताया था कि इस तरीके से आप परचेज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर कॉइन यहाँ पे भी 4000 दिखा रहा है, और 4 एक्टिव पैक। तो इस तरह से आप अपना ऐड फंड कीजिए, और जल्दी से इसमें रेडी हो जाइए अर्न करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो के नीचे मैंने सारे लिंक दिए हुए हैं क्लिक इंटेंसिटी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप अभी तक आप ज्वाइन नहीं है, तो इसमें आप ज्वाइन अभी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको देर मत कीजिए ज्वाइन करने में, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप रेडी रहिए, और इसके मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा टाइम टू टाइम, कि कैसे आपने सर्फ एड्स वगैरह करनी है जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, और कैसे आपने इससे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।